Hi guys, welcome to today's video and welcome to our YouTube channel. Hope you are doing absolutely fine. So, आज का वीडियो होने वाला है साड़ी हॉल जो कि मैंने मिंत्रा से ली है और आपकी रिक्वेस्ट पे है. एंड इसके साथ साथ शुरू हो जाती है मेरे चैनल पे फेस्टिव सीरीज जो कि पूरे महीने चलने वाली है. बट ऐसा नहीं है कि मैं सिंपल वेयर नहीं दिखाऊंगी आपको, मैं बीच बीच में वो भी दिखाऊंगी, बट मोस्टली फेस्टिव वेयर ही रहेगा. जितने भी साड़ीज है वो मिंत्रा से है एंड वो आपकी रिक्वेस्ट पे ही है. कुछ साड़ीज की रिक्वेस्ट मुझे सब्सक्राइबर ने की थी तो वही साड़ीज मैं लेकर आई हूँ, कुछ अपने चॉइस की लेकर आई हूँ. जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा था कि पूरे मंथ आपको बहुत मजा आने वाला है, मैं बहुत सारे फेस्टिव वेयर और रिक्वेस्टेड वीडियो चलाने वाली हूँ. तो आज के हॉल में साड़ीज दिखाऊंगी, नेक्स्ट जो आएगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हॉल आने वाला है. तो वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर से बताना कि कौन सी साड़ी अच्छी लगी. चैनल पे गिव अवे चल रही है, सो गिव अवे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो वीडियो आप जरूर देखें, वहां पे आपको सारे रूल समझ में आ जाएगा और पार्टिसिपेट करें. ये जो इयररिंग्स मैंने वेयर कर रहा है ये टॉप आपको मेरे नेक्स्ट हॉल में देखने को मिलेगी. राइट नाउ मैं शूट कर रही हूँ एंड साथ ही साथ इंट्रो बना रही हूँ, बट फिर भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं. माय हॉल स्टोर में जाइए, वहां आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे. जितने भी प्रोडक्ट मैं आज आपको शो कर रही हूँ उसका लिंक आपको माय हॉल स्टोर में मिल जाएगा और माय ज्वेलरी कलेक्शन में आपको सारी ज्वेलरीज मिल जाएंगे. तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड नाउ विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. माई फर्स्ट आइटम इज दिस नेवी ब्लू सॉलिड पॉली जॉर्जेट साड़ी विद सिक्वन डिटेलिंग एंड नेवी ब्लू ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन की साड़ी है. ये पॉली जॉर्जेट मटेरियल है साड़ी का, ब्लाउज फैब्रिक भी सेम है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला मटेरियल है जॉर्जेट का. और जॉर्जेट की जो साड़ी होती है वो कैरी करने के लिए भी बहुत ही ईजी होती है, बहुत ईजिली कैरी कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत भी लगती है. और ये इंडस की साड़ी है जो बहुत 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 ज़्यादा गॉर्जेस है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. ये किसी मुझे सब्सक्राइबर ने रिकमेंड करा था बट ये मेरे विशलिस्ट में बहुत टाइम से था. और इसके साथ ये ब्लाउज़ है सीक्वेंस का ब्लैक कलर का, जिसका जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग वाला है. एक भी सीक्वेंस आपको चुभेगा नहीं या फील नहीं होगा चुभने वाला, मैं बहुत अच्छे से आपको दिखा रही हूँ. बहुत ही नीट एंड फाइन वर्क है. ये मुड़ा हुआ है ब्लाउज़ लाइक फोल्डेड है, इतना ही कपड़ा आपको मिलता है ब्लाउज़ का, डबल आप इसका इस साइज़ का डबल आप लगा लो. सो इस ब्लाउज़ के साथ जब आप स्टिच करा के पहनोगे तब ये फुली पार्टी वेयर लगेगी. अभी ये थोड़ी सी कैजुअल लुक वाली भी साड़ी लग रही है. मैंने इस पर बेल्ट डाल रखा है एंड एक सिंपल ब्लाउज डाला है जो मैंने खुद से लिया है. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लें. सो इस तरीके से वेयर करने पे आप किसी फेयरवेल पार्टी या किसी गेट टुगेदर में वेयर कर सकते हैं, और ब्लाउज स्टिच कराने के बाद फुली पार्टी में भी आप आराम से वेयर कर सकते हैं. तो दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं. मैं इस साड़ी को हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत ही गॉर्जियस साड़ी है, मटेरियल बहुत गॉर्जियस है, बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे. प्राइस वगैरह आपको स्क्रीन के साइड पे मिल जाएगी. I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never want to look back and wish I could have been. माई नेक्स्ट आइटम इज दिस मरून रफल साड़ी विथ अनस्टिच ब्लाउज. ऑफकोर्स सब में अनस्टिच ब्लाउज ही है, साड़ी के साथ ही ब्लाउज अटैच है, तो वेयर करने के टाइम मैंने उसे अंदर डालकर ही वेयर करा है. और इसका मटेरियल भी पॉली जॉर्जेट है, ब्लाउज फैब्रिक भी सेम पॉली जॉर्जेट है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर है इसका एंड साड़ी भी अगेन बहुत सुंदर है. जॉर्जेट मटेरियल के वजह से इंडस की साड़ी मुझे और ज़्यादा पसंद आ रही है. तो रफल साड़ी है ये, यहाँ पे आपको रफल्स मिलेंगे पूरे हाफ साड़ी पे, डबल रफल्स है. और आंचल पे आपको दोनों कॉर्नर पे रफल्स मिलेंगे जो इस तरीके से पहनने पे डुअल रफल्स आपको सामने से दिख रही है. इसका ब्लाउज़ का मटेरियल है जो बहुत ही फाइन सीक्वेंस थ्रेड के साथ वर्क किया हुआ है. इससे पहले जो ब्लाउज दिखाया था उस पर ऐसे गैप नहीं था सीक्वेंस पे, बट इस पर थोड़ा थोड़ा गैप है जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. साड़ी बहुत ब्यूटीफुल है, इस पर गोटापट्टी डिटेलिंग है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली है, ब्लाउज़ की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है. सो मैं इसे भी
हाईली रिकमेंड करूँगी. डिफरेंट कलर है, डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट स्टाइल है और बहुत सुंदर लगने वाला है. और इस पर जो मैंने ब्लाउज़ वेयर करा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट उसका डिटेल रिव्यू मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो पे दूंगी. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. अगेन, अगर ब्लाउज स्टिच करा के पहनोगे तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाली है. मैंने बस इसे इस ब्लाउज़ के साथ ही आपको दिखाने के लिए कॉम्बाइन कर लिया. और मेरी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कि मेरी तबीयत गाइस ठीक नहीं है. मुझे फिर से फीवर हो गई है और फीवर में ही मैं ये शूट कर रही हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे शूट नहीं कर पाई. दो दिन में शूट कंप्लीट हुई थी, ब्लू वाला दिखाया था, उस टाइम मेरी तबीयत ठीक थी. ये फीवर के टाइम पे शूट हो रहा है तो मैं बहुत अच्छे से आपको नहीं दिखा पा रही हूँ. एंड अगेन, ब्लैक हील जो मैंने पहना उसे इग्नोर करें पूरी तरीके से. तबीयत ठीक नहीं होने के रीज़न से मैंने बहुत ज़्यादा लुक बुक में इस पर ध्यान नहीं दिया है, बट आप ब्लाउज स्टिच करा के गोल्डन हील्स के साथ या न्यूड हील्स के साथ ये बहुत अच्छे लगने वाली है. तो इस साड़ी को मैं हाईली रिकमेंड करूँगी. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. I'm never gonna regret the hours I've been putting in. So take a chance on faith. माई नेक्स्ट आइटम इज दिस सॉलिड बीच कलर की जॉर्जेट साड़ी, जिसका मटेरियल पॉली जॉर्जेट है, ब्लाउज फैब्रिक भी पॉली जॉर्जेट है. चारों तरफ आपको सीक्वेंस का बॉर्डर पे वर्क मिल रहा है पूरे साड़ी पे. एंड ब्लाउज भी बहुत ही खूबसूरत सीक्वेंस वाला है, बहुत ही फाइन फिनिशिंग वाला है. लाइक ज़रा सा भी इचिंग नहीं होगी, क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है. कपड़े की क्वालिटी भी साड़ी की भी बहुत अच्छी है, देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल है, सब कुछ बहुत बढ़िया है. बट मिंत्रा के पेज पे जितनी खूबसूरत ये साड़ी लग रही है कलर वाइज, मैं मटेरियल की बात नहीं कर रही हूँ, उतनी ज़्यादा एक्चुअल में ये ब्यूटीफुल नहीं लग रही है. बहुत ही गोल्ड काइंड ऑफ कलर मिंत्रा के पेज पे लग रही है, बट रियल में थोड़ी सी डल लग रही है. इस वजह से मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई. पहनने पे कंफर्टेबल बहुत है, गर्लिश काइंड ऑफ साड़ी भी है, आराम से आप इसे बेल्ट वेल्ट लगा के पहन सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगी पार्टीज़ में. और मैंने इस पर ब्लाउज स्टिच नहीं कराया है अभी, क्योंकि ये कोई और रख रहा है, मैं खुद नहीं रख रही हूँ ये साड़ी. बट अगर ब्लाउज स्टिच हो जाएगी सीक्वेंस वाली तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी. मैंने सिंपल ब्लाउज में दिखाया, बट फिर भी पहनने के बाद ये ठीक ठाक लग रही है मुझ पे, ऐसा मुझे लग रहा है. तो इस ब्लाउज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर ले. सो मैं इस वजह से हाईली रिकमेंड नहीं करूंगी, इसके कलर के वजह से. सेम कलर अगर एज इट इज रहती तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करती, क्योंकि पहनकर बहुत सुंदर है. Got enough of every melody, they all sound the same, yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. माय नेक्स्ट साड़ी इज दिस नेवी ब्लू प्योर जॉर्जेट बेल्टेड साड़ी. एंड अभी बेल्टेड साड़ी बहुत फैशन में है गाइस, सो ये साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. और अभी ये एक ही पीस बची हुई है, मैं से अभी बोलूँगी जाकर खरीद लो, किसी एक को ही मिलनी है, बाद में स्टॉक में आने में टाइम लगेगी. तो साड़ी फैब्रिक प्योर जॉर्जेट है, ब्लाउज फैब्रिक कॉटन ब्लेंड है. एंड इस तरीके की आपको पूरी साड़ी मिल रही है, पूरी साड़ी पे सेम डिज़ाइन बनी हुई है, ये शाइनिंग काइंड ऑफ, जो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है. पार्टीज़ के लिए परफेक्ट है, न्यूली मैरिड कोई उसके लिए परफेक्ट है. एंड गोटा पट्टी डिटेलिंग के साथ आपको पूरी ये ब्लाउज की फैब्रिक मिल रही है, जो मैं आपको बहुत ही जूम करके अच्छे से दिखा रही हूँ. और इसकी जो बेस्ट चीज़ है ऑफकोर्स इसकी बेल्ट है, मुझे इसकी बेल्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई. कुछ इस तरीके की बेल्ट है जिसपे आपको
पूरी ऐसी लटकन लटकन वर्क मिलेगी, गोटापट्टी डिटेलिंग साथ में मिलेगी और बहुत तरीके से आप इसे स्टाइल भी कर सकते हैं, विदाउट बेल्ट विथ बेल्ट तो बहुत सुंदर है। और इसकी जो ब्लाउज स्टिच हो जाती है तो ये और भी ज़्यादा गॉर्जियस लगती है। मैंने ब्लैक ब्लाउज में दिखाया है, फिर भी ये साड़ी देख सकते हैं आप कितनी खिलकर आ रही है, कितनी ज़्यादा शाइन कर रही है और कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। किसी भी पार्टी में बस आप ही नजर आने वाले हो अगर इसे पहन लेते हो तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। मेरे सिस्टर ने रखा है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत जल्द उसकी शादी भी होने वाली है तो उस पर बहुत सुंदर लगने वाली है। So, इसलिए मैं इसे हाईली रेकमेंड करूंगी क्योंकि बहुत गॉर्जियस है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि अभी तक जितनी भी साड़ीज मैंने दिखाई ये सबसे ज्यादा लाइट वेट साड़ी है, लाइक एक मुट्ठी काइंड ऑफ साड़ी है ये, तो जितनी भी लड़कियां बहुत अच्छे से इसे कैरी कर सकती हैं। तो ये बेस्ट पार्ट है क्योंकि मुझे भी हेवी साड़ीज उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत लाइट वेट साड़ी ही रेकमेंड करती हूँ। माई नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम इज दिस पीच रफल साड़ी। मटेरियल है सिल्क ब्लेंड जो कि सैटन काइंड ऑफ लगेगी, आपको देखने पे लगेगी पूरी सैटन की साड़ी है और मैट कलर की मैट फिनिशिंग के साथ ये गोटा पट्टी डिटेलिंग है, लेस भी आप बोल सकते हो, मैट फिनिशिंग के साथ है और इस पे डुअल रफल्स आपको मिल रही है साड़ी पे, सेम जो अभी आपको ब्राउन वाले पे दिखी थी। और हाफ साड़ी के बाद जहाँ से प्लीट्स बनती है वहाँ से रफल्स शुरू हो जाते हैं, हाफ साड़ी पे आपको रफल नहीं मिलती है। और इसका जो ब्लाउज है वो बहुत ही खूबसूरत है, पिंक क्रीम कलर का है। ब्लाउज का मैं शूट नहीं कर पाई इसलिए मैं यहाँ पे आपको ब्लाउज नहीं दिखा पा रही हूँ, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मिंत्रा के पेज पे आप ब्लाउज जरूर चेक कर ले क्योंकि वहाँ पे ब्लाउज बहुत अच्छे से दिखाई गई है, उसकी डिजाइनिंग जो भी है थ्रेड वर्क और सीक्वेंस के साथ एज इट इज आपको ब्लाउज मिलेगी रियल में भी। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल, बहुत ही सॉफ्ट छूने पे, तो ब्लाउज इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। राइट नाउ मेरे पास नहीं है, मैंने ये साड़ी किसी को दे दी क्योंकि ये कलर मेरे पे नहीं अच्छी लग रही है, बट बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन में बहुत सुंदर लगेगी। और मैंने इसे स्टाइल करा है ये ब्लाउज के साथ, इंडिया ब्रांड की ब्लाउज है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये साड़ी मटेरियल वाइज बहुत अच्छी है, डिज़ाइन वाइज बहुत अच्छी है, ब्लाउज बनने के बाद बहुत सुंदर लगने वाली है और आप इसे और अच्छे से पहनोगे तो बहुत अच्छी लगेगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर नहीं दिखा पाई हूँ स्टाइल करके, बट स्टाइलिंग करने के बाद ये बहुत सुंदर लगने वाली है। बट मैं इसे हाईली रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये 2400 समथिंग की है और इससे कम प्राइजेस में मुझे और भी साड़ियाँ जो मैंने आपको दिखाई है वो इससे कहीं ज़्यादा पसंद आई, तो ये रीज़न है। मे भी मुझे डार्क कलर थोड़े से पसंद है, इस वजह से अगर आपको लाइट कलर पसंद है तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइज़।